रेखी बच्चन भारत की एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की मां के रूप में जाना जाता है। तेजी बच्चन का जन्म तेजावंत कौर सूरी के रूप में बुधवार 12 अगस्त 1914 को लयालपुरा पंजाब ब्रिटिश भारत में फैसलापुर पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। तेजी को बचपन से साहित्य में रुचि थी और उन्हें राम समाई का बहुसूतियों की कविता और दोहे पढ़ना बहुत पसंद था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के प्रसिद्ध सिख मेहरबिस्त खजाना सिंह सूरी के घर हुआ था। उनकी माँ और भाई बहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। 1941 में उनका विवाह प्रसिद्ध भारतीय कवि हरिवंश राय बच्चन से हुआ। यह एक अतिरंजित विवाह था। इस जोड़े के दो बेटे हुए, अमिताभ बच्चन और अभिजीत बच्चन। जया बच्चन उनकी बहू है जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी पोती है। अभिषेक बच्चन उनके पोते हैं और श्वेता नंदन बच्चा उनकी पोती है। आर्ध्या बच्चन तेजी बच्चन की परपोती है। तेजी और हरिवंश राय बच्चन की जोड़ी को अक्सर परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण कहा जाता था क्योंकि तेजी की परवरिश अंग्रेजी भाषा में हुई थी जबकि हरिवंश राय गहरी जड़ों वाली भारतीय परंपराओं के प्रतीक थे। जब वे पहली बार मिले तो तेजी खूब चंद डिग्री कॉलेज लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में मनोविज्ञान पढ़ रही थी जबकि हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। इस जोड़े की मुलाकात उस समय हुई थी जब हरिवंश राय बच्चन अपनी पहली पत्नी श्यामला के दुखद नुकसान से उभर रहे थे। उनकी पहली मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा यह है। यह हरिवंश राय बच्चन के कवि मित्र प्रकाश थे जिन्होंने एक बार उन्हें अपने घर बरेली में आमंत्रित किया था। हरिवंश राय दिल्ली से बरेली के लिए ट्रेन में सवार हुए और सुबह सुबह प्रकाश के घर पहुंचे और जब उन्होंने प्रकाश से उस अचानक निमंत्रण के पीछे का उद्देश्य पूछा तो प्रकाश ने सराहना से आंख मारी और बताया कि कुछ भी गंभीर ना था और वह चाहते थे कि वह उन्हें अपने पसंदों में से एक से मिलवा लाहौर से उनकी कविता वह कोई और नहीं बल्कि तेजी सूरी थी। जब तेजी सलवार सूट में और उसके ऊपर एक चिकना दुपट्टा लपेट हुए कमरे में दाखिल हुए तो हरिवंश राय उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और वह उनके लिए पहली नजर में प्यार का शरण था। उनकी खूबसूरती का वर्णन करते हुए एक बार हरिवंश राय ने कहा था, वह कोई स्त्री नहीं बल्कि सर झुकाए कोई यूनानी देवी थी जैसे किसी पुरानी किताब का कोई चित्र जीवन हो उठा हो। जब प्रकाश और तेजी ने हरिवंश राय से अपनी कोई कविता सुनाने का आग्रह किया तो उन्होंने लगभग 12 वर्ष पहले लिखी अपनी कविता प्रस्तुत की। इस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि यह उठती ओरिएंटल है, कहीं बाहर जाने को तो मेरे लिए नहीं है। एक और कविता तो उन्होंने उस समय पढ़ी और जिसका तेजी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था।